Assalamualaikum viewers, good morning, have a nice day. आज मैं बनाने जा रही हूँ जो ढाबा स्टाइल होती है ऑमलेट. तवे पे कैसे बनाते हैं? सो ब्रेकफास्ट में आज हम ढाबा स्टाइल ऑमलेट बनाएंगे और साथ सादा पराठे बनाएंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ऑयल में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ ज़रूरत के मुताबिक. अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लहसुन जो कि मैंने चॉप कर ली. ये लहसुन मैंने चॉप कर ली है. और इसमें मैं डालूंगी प्याज, इनको भी मैंने चॉप कर लिया. प्याज हल्के से सौते और इनका थोड़ा सा इनको और सौते करेंगे. टुडे इज संडे. आई थिंक 5 अप्रैल है आज. और फिर तो अंडे की जो जर्दी होती है जिसको योक कहते हैं उसमें फैट ज़्यादा होता है. तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अंडे को जर्दी के बगैर खाते हैं कि हमारा वेट ना बढ़े और मोटापे में ज़्यादा जो है वो इजाफा ना हो. लेकिन डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको अंडा जर्दी से मैट खाना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं. तो अगर आपको लगता है कि उससे आपका वेट बढ़ता है तो आप उसके बाद से एक्सरसाइज कर सकते हैं. प्लीज आप एक्सरसाइज करें, फिट रहें, हैप्पी लाइफ गुजारें, इट्स अ गुड थिंग. पहले मैं भी खाती थी जल्दी के बगैर, फिर मुझे डॉक्टर ने मना किया. हालांकि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मैं कंट्रोल रखती हूँ, मुझे मोटापा बिल्कुल पसंद नहीं है. तो अब मैं वापस ये जर्दी के साथ खाना शुरू हो गई हूँ और साथ में एक्सरसाइज करती हूँ. चलें जी, प्याज सौते हो गए हैं, अब इसमें डालते हैं टमाटर और विद ग्रीन चिली. दो ये टमाटर मैंने काटे हैं और इसमें दो ही ग्रीन चिलीज हैं. इनको हल्का सा सौते करेंगे. आज बिल्कुल मैंने जीरो रखी हुई है, चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल जीरो है. स्पून काली मिर्चें, थोड़ी सी काम बचा रही हूँ. डालूंगी सारे स्पाइसेस, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी 1/4 टेबल स्पून, सूखा धनिया तकरीबन 1/4 टेबल स्पून और नमक एज टेस्ट. बाद में भी चेक कर लेंगे. थोड़ा डालना ज्यादा ऑयल में से भी सेहत के लिए अच्छा है. और इस ऑमलेट में वैसे भी थोड़ा डलता है. इसमें अंडे डालूंगी मैं. कुछ लोग होते हैं हमारे घर में भी, कुछ लोग हैं वो कहते हैं ब्रेकफास्ट में 4 अंडे खाने हैं, शाम से कम 2 अंडे खाने. इतने ज्यादा अंडे खा के क्या करने. नाश्ता करना है 1 ही अंडा खाती. ऑमलेट तैयार हो गई, बस इतनी सी देर लगती है, 5 मिनट में ये ऑमलेट तैयार हो जाती है. अब इसके अंदर मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा. समवन इज डजंट लाइक, सो इसलिए बहुत कम डाला है. तो अदरक को भी मैंने गार्निश के लिए धनिया की तरह ऊपर डाला है क्योंकि इसको थोड़ा सा कच्चा खाने का दिल कर रहा था. एक तो ये रेशा ख़त्म करता है,
गर्म होता है तो मेरे के लिए बहुत अच्छा होता है, चीज़ जल्दी हज़म हो जाती है कोई भी जब हम खाते हैं। तो अदरक को मैंने ऊपर से गार्निश किया, सो ये थी इसमें स्पेशल चीज़। खुश रहें जहाँ भी रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और प्लीज़ कमेंट किया करें एंड लाइक किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।